हेलो फ्रेंड्स, क्या आप क्रोम से सर्च हिस्ट्री को परमानेंट डिलीट करना चाहते हो? और दोस्तों, आपको बिल्कुल भी नहीं पता है क्रोम का सर्च हिस्ट्री कैसे डिलीट किया जाता है, तो फ्रेंड्स आज आप इस वीडियो को बिना स्किप किए आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, क्रोम का सर्च हिस्ट्री डिलीट करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, अपने फोन में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। दोस्तों, जैसे क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे थ्री डॉट का ऑप्शन है सबसे ऊपर में। दोस्तों आपको सिंपली थ्री डॉट वाला ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हिस्ट्री का ऑप्शन, आप सिंपली क्या करेंगे, हिस्ट्री वाला ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देंगे। जैसे आप हिस्ट्री वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे क्लियर ब्राउजिंग डाटा। दोस्तों आपको सिंपल इसी वाला ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है, क्लियर ब्राउजिंग डाटा जो लिखा है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार के इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे ऑल टाइम लिखा हुआ है, तो दोस्तों आपको सिंपल इस पर क्लिक कर आप जितना चाहे उतना देर का हिस्ट्री डिलीट कर सकते हैं। आप दोस्तों यहाँ पे 15 मिनट, लास्ट 1 आवर, 24 आवर, 7 डे, 4 वीक और ऑल टाइम। तो दोस्तों मैं यहाँ पे ऑल टाइम यानी कि हमेशा के लिए अपना क्रोम का हिस्ट्री डिलीट करना चाहता हूँ, तो ऑल टाइम सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्लियर डाटा का ऑप्शन, आप सिंपली क्लियर डाटा वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अगर दोस्तों इस पर टिक नहीं रहेगा तो दोस्तों सब पे टिक कर देंगे। दोस्तों ये सब पे टिक कर देंगे, ये बॉक्स जो है फिल रहना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्लियर का ऑप्शन, आप सिंपल क्या करेंगे, क्लियर वाला ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लियर वाला ऑप्शन पर क्लिक करें, थोड़ा वेट करेंगे दोस्तों, आपके क्रोम ब्राउजर का पूरा हिस्ट्री जो है यहाँ पे A to Z डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेगा दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे मेरा पूरा हिस्ट्री जो है डिलीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि आप क्रोम ब्राउजर का हिस्ट्री कैसे डिलीट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूले। दोस्तों मिलते हैं इस प्रकार के एक दूसरे वीडियो में।